We are presenting the lecture series on as we are taking a review. अभी मैं एक review ले रहा हूँ. Review क्या है? जो हमने पढ़ा है last time के lecture में. एक थोड़ा सा review लेंगे. What that review is? That review is हमने पढ़ा है A dot B equal to mod of A mod of B and cos of theta. स्मॉल क्योंकि कोई भी वेक्टर रहता है तो एंगल बनते हैं छोटा एंगल लेना अब एक चीज कॉस जैसे बोलते हैं कॉस ना कॉस थीटा में बोलूंगा तो आप बता दोगे कि ये भाई ये होता है ऐसा होता है कॉस थीटा है जीरो एंगल इट इज यूनिटी एंड एट 90 डिग्री एट जीरो एंगल जैसे ये दो वेक्टर है जीरो एंगल इट इज फुल वन एट 90 डिग्री इट इज जीरो एक्चुअली कॉस इज ए ग्रीक वर्ड कॉस जो शब्द है ना अंग्रेजी नहीं है इट इज ए ग्रीक वर्ड एंड व्हाट डज इट मीन इट मींस प्रोजेक्शन कैसा पोजिशन हॉरिजॉन्टल पोजिशन इट इज हॉरिजॉन्टल पोजिशन जैसे हम बोले कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ समथिंग विच इज रोटेटिंग ऑन द क्लॉक घूम रही है ऐसे तो उस हॉरिजॉन्टल पोजीशन को ग्रीक लैंग्वेज में उनकी भाषा में बोलते हैं कॉस ये चाइनीज वाले बोलते हैं जिंग मिंग मिंग वो भी सेंटेंस बनता है हमने तो समझा नहीं ना वो तो हम उसको ऐसे ही सोचेंगे जिंग मिंग मिंग है ना जो भी सोचेंगे पर वो तो है तो लैंग्वेज वो तो कॉस इज एक्चुअली द हॉरिजॉन्टल पोजीशन और साइन क्या है साइन इज वर्टिकल पोजीशन सो इफ ना अब देखो कॉस जीरो और 90 डिग्री के जो लैग था ना आपके दिमाग में हटा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऐसा ये वेक्टर ये जीरो एंगल मान लो यहां से मैं मानता हूँ या इधर से मान लेते हैं आपका जीरो जैसा भी आप समझे मुझे एक मानने में ठीक लग रहा है ना ये जीरो फुल जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये प्रोजेक्शन कम होते जाएगा एज द एंगल इंक्रीजेस द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर projection of this vector is on this plane horizontal decreases when it goes to 90 degree it is zero ab ye 90 degree se zyada aayega to projection negative ab kuch yaad nahi rakhna ab aapko dimag mein wo nahi lagana hai ki cos zero ko yaad abhi maine iske pehle just abhi baat ki thi abhi isi class mein to zero mein aapke dimag mein jo bhi delay aaya tha aur aapne soch ke bataya ki aisa और जब मैंने हाथ किया तो मुझे भी डिले लगा बिल्कुल क्लियर है ना क्योंकि तो एनी कॉन्सेप्ट इज देयर वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठना चाहिए कॉस इज ओरिजिनल पोजीशन एंड दिस प्रोडक्ट इज रिलेटेड विद द प्रोजेक्शन और इसी प्रोजेक्शन के बेसिस पे आप पूरी गए नहीं पूरी घूमे हो कोणार्क भी गए होगे सूर्य मंदिर और क्लॉक भी देखे होगे है ना वो प्रोजेक्शन पे तो बेस्ड है कि अरे आप एक पर्टिकुलर एरिया में इफ वी आर कीपिंग ए वेक्टर एक वेक्टर लगा दिया मान लो और आप एक पेरिफेरी बना दीजिए सर्किल बना दीजिए भाई सवेरे 7 बजे के लिए सबसे बड़ा सर्किल बनेगा तिरछा रहता था जैसे 12 बजे के लिए सर्किल छोटा बनेगा फिर बाद में फिर बड़ा बनेगा एंड You can design for better understanding of our small children. छोटे बच्चों के लिए अपने घर में एक घड़ी बना के रख सकते हैं आप यस ये आपका एक इंजीनियरिंग का नमूना है छोटे भाई बहनों को अपन बता सकते हैं छोटे भाई बहन अपने बच्चों को भाई ऐसे भी होता है देखो ये 12 बज गया ये 11 बज गया 10 बज गया इसका तो अच्छा आ जाता है 9, 10, 11 का तो बिल्कुल एकदम क्लियर सर्किल बनता है हाँ So, it is that clock. उस clock की बात कर रहा हूँ जो कोणार्क में आपने देखी है कुछ हमारे ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी देखी है वो प्रोजेक्शन पे बेस्ड है तो cos कुछ नहीं है cos हो गया प्रोजेक्शन और हो गया हॉरिजॉन्टल और साइन हो गया वर्टिकल इसको भी याद रखना ये साइन तो जैसे जैसे cos कम होगा वो साइन बढ़ेगा जैसे cos एंगल बढ़ा तो cos क्या हुआ कम हुआ इधर प्रोजेक्शन और ऊपर ये वर्टिकल जो है ये बढ़ते जाते
तो जब पास होगा जीरो तो साइन होगा फुल, एकदम क्लियर है। और निगेटिव पॉजिटिव की भी कंफ्यूजन नहीं है, वो भी दूर करता हूँ। इधर जाओगे कॉस निगेटिव पर साइन निगेटिव नहीं, हाँ ये बिल्कुल ऐसा है ना। आप क्या है रटते हो उसको, तो रटी हुई चीज को तो दिक्कत होगी, है कि नहीं? फिर आपको अरे उसमें तो ऐसा लिखा था देखा था, समझे नहीं ना, पूरा बेस में जाओगे आप तब तो समझ में आएगी चीजें, है कि नहीं? तो वट एवर द सब्जेक्ट इज देयर स्कोरिंग इज नथिंग, यू कैन स्कोर द मार्क्स, नो प्रॉब्लम। बट मेन थिंग इज विच मैटर्स इन द इंटरव्यूज, आपको मुझे इंटरव्यू के लिए भी तैयार करना है, जितना भी टाइम मिलता है कभी मिलता है ना, बट देन ऑल्सो टाइम इज देयर, है ना, बिकॉज आई एम एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज ऑल्सो। ऑनलाइन की एक्टिविटी मेरी बहुत सारी चलती रहती है, बहुत जगह एंगेजमेंट्स हैं मेरे, NIT रायपुर में है, कुरुक्षेत्र में है, मैं वहीं का पास रहा हूँ, REC कुरुक्षेत्र पहले था, अभी NIT है नाम उसका, हरियाणा, हरियाणा का थोड़ा इनपुट लगेगा आपको, वाइस थोड़ी भारी है ना, तेज है, हाँ तो हरियाणा में हम पढ़े हैं, तो वहाँ भी हमारे ऑनलाइन सब्सिडीज चलती है। ओके उसको छोड़ दो, आज जो हम समझने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट समझ लिया हमने, कॉस्ट का सिग्निफिकेंस समझ लिया, अब हम सीधा एक प्रॉब्लम पिकअप करते हैं, इसमें से देखूंगा मैं। दैट प्रॉब्लम इज CSVBU दिसंबर 2019, मुझे डेटा एकदम याद नहीं आ रहा है, डेटा में देखूंगा, है ना, क्या बहुत सारे तो ईयर हो गए, इतना डेटा याद रहेगा। अब आपकी क्या है, आप लोगों की जैसे यंग ब्रेन, देखो ब्रेन के अंदर ना दो पार्ट होते हैं, सेरिबेला एंड सेरिबेलम, वाइट एंड ग्रे मैटर, वो सब में बराबर है, आप में हमने सब में बराबर, ये तो ट्यूनिंग है, द मैटर मैनर इन विच वी आर ट्यूनिंग अवर ब्रेन, तो वो मेमोराइज ज्यादा करता है, ज्यादा नहीं करता, कोरिलेट करोगे तो ज्यादा करेगा, कोई चीज को जैसे कोरिलेट करके याद करोगे ना तो ज्यादा करेगा, ऐसे ज्यादा नहीं करता कुछ, सबके पास ब्रेन बराबर, ब्रेन का वॉल्यूम नहीं बढ़ता, बाकी शरीर का वॉल्यूम बढ़ता है, ब्रेन उतना ही रहता है, व्हाइट मैटर ग्रे मैटर। अब वो आ गया बायोलॉजी, उसको भी छोड़ते हैं, अभी इस प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करते हैं, राइट, वी विल राइट द प्रॉब्लम। चलो लिखो, गिवन थ्री पॉइंट्स -1, -4, -2 and G that is 3, -2, 4 5 यहां लिखते जा रहे हैं हम 5 ए पार्ट ए लिखेंगे आपको यूनिट वेक्टर directed from E towards F. B part क्या है ये? This is the B part. The angle between R, E, F and R, E, G. ये हो गया सेकेंड पार्ट, आई थिंक इन ऑनलाइन ऑल्सो इट इज क्लियर, नो प्रॉब्लम इन दैट, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक,
Okay. So I think everything is clear. We'll go ahead. C part. C part is the scalar position. Scalar projection of RGF on RPG, and the last part is perimeter of the triangle. Perimeter of the triangle EFG. Now we will go ahead. अब एक एक करके हम पूरा सोल्यूशन समझेंगे. ठीक, पूरा सोल्यूशन बिल्कुल क्लियर आ जाएगा आपको समझ में. एंड आवर ऑनलाइन स्टूडेंट विल आल्सो अंडरस्टैंड एंड वी विल गो अहेड. देखो पहला पार्ट लिखा है इसमें AEF. इफ वी आर हैविंग ए यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम E टू F, E टू F ये P से F, व्हाट इट विल बी, इट विल बी ए वेक्टर R E F divided by R E F magnitude. होगा ना, ये तो समझ चुके हो. अब निकलेगा कैसे देखो, how to calculate this. हाँ, P से F की तरफ है, यही लिख दिया, F वाला पहले लेंगे. अब सीधा लिखते जाते हैं. देखो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री आएगा, क्लियर है. तो ये राइट माइनस 3 ax कैसे आया, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री. फिर देखते हैं y कोऑर्डिनेट 4 माइनस फाइव माइनस वन. 4 माइनस फाइव क्या आएगा, माइनस वन. सो इट विल बी माइनस ए वाई. ये आ गया दूसरा. अब तीसरे पे चलते हैं. माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस थ्री बिल्कुल सही. एंड एज वी आर नोइंग इसी का मैग्नीट्यूड आर ये, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दिस मैग्नीट्यूड डी अंडर रूट, यस ये लिख लेंगे थ्री स्क्वायर माइनस थ्री लिखो या प्लस थ्री लिखो, स्क्वायर करोगे प्लस ये आएगा, प्लस ये आ जाएगा माइनस वन स्क्वायर या प्लस वन स्क्वायर सेम आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये माइनस थ्री स्क्वायर. ठीक, अब आप इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ ये मैग्नीट्यूड भी अपनी निकाल दो. मैं अभी इसको बता दूँ, ये कितना आ गया अंडर रूट 19 दिख रहा है क्लियर. 18 और 19, अब ये इसको डिवाइड करके बताओ ये नंबर करो कैलकुलेटर से. हाँ ये आ गया भाई माइनस 0.688, तीन डिजिट कम से कम रहना है ना. हाँ प्लस माइनस हाँ माइनस 0.2294 ठीक है ए वाई. चलो और फिर माइनस 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. ये हो गया पहला पार्ट कंप्लीट. ठीक, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट. पहला पार्ट क्लियर है, अब आते हैं सेकंड पार्ट. यही बनाते हैं स्पेस सी वाला यूज करते हैं. एंगल बिटवीन आर ई एफ एंड आर ई जी. अब एंगल निकालना है तो वी कैन यूज दिस डॉट प्रोडक्ट. दो वेक्टर के बीच का निकालना है तो वो दोनों वेक्टर चाहिए. पहले पहले चाहिए हमको आर ई एफ, पता ही है निकालने की जरूरत नहीं. एक वेक्टर और इजी, ठीक है ना. तो वी हैव टू कैलकुलेट ए वेक्टर फर्स्ट आर ई जी. सेकेंड पार्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर निकालना पड़ेगा. ए वेक्टर
डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू जी. अब देखो वेक्टर फ्रॉम ए टू जी यही बनाता हूं, ये ई से जी, ये वेक्टर, ये पॉइंटर बनाया, यही बना दिया हमने ई से जी की तरफ. ठीक, थ्री माइनस टू, पॉइंटर वाला पहले लेना है. ठीक है भाई, हाँ तो ये आ जाएगा थ्री माइनस टू इज वन, वन इज मीन्स सिंगल एक्स, ये आ गया. अब वाई कंपोनेंट पे आते हैं, माइनस टू माइनस फाइव माइनस सेवन, गुड, माइनस सेवन ए वाई. ठीक, अब आते हैं जेड पे, फोर माइनस वन थ्री प्लस थ्री एजेड, ये हो गया क्लियर. आर ई जी, ये वेक्टर भी पता है, ये वेक्टर भी पता है. अब अगर मान लो इस फार्मूले को हमको यूज करना है तो हमको क्या मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए दोनों का. इसका तो पता चल गया रूट नाइनटीन है, पहले वाले का पता चला ना हमको, ये कितना था रूट नाइनटीन था, और दूसरे का इसका निकालना पड़ेगा. सो वी कैन कैलकुलेट यस आर ई जी, ये भी निकाल लेते हैं, ई जी मैग्नीट्यूड will be equal to under root, ये निकलेगा वन स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर. एंड आई एम रिक्वेस्टिंग सम ऑफ यू टू स्पीक अबाउट दैट. हाँ जी, रूट फिफ्टी नाइन का सीधा बता देता हूँ, स्टैंडर्ड में कितना आएगा रूट फिफ्टी नाइन, ये आ रहा है रूट फिफ्टी नाइन, अंडर रूट फिफ्टी नाइन, और ये आ जाएगा कितना 7.681 आ गया. ऑनलाइन वाले भी नोट कर लीजिए, कैलकुलेट भी कर लीजिए. वी कैन नॉट गो टू यूट्यूब, वी कैन नॉट सी इट. आई थिंक चैट बॉक्स एक बार देख लेता हूँ. हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क, से ट्रांसमिशन इज ओके, नो प्रॉब्लम, नो ब्लड, नथिंग इज देयर, जस्ट आई वॉन्ट टू सी द कमेंट. हाँ, सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ठीक है, ये सही है आपका कैलकुलेशन, रिमझिम पांडे ने किया है कैलकुलेशन, गुड, वेरी गुड. एंड सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द नेम, बट यू हैव कैलकुलेटेड, गुड, एक्सलेंट. क्या बच्चों को उधर भी बोलना जरूरी है, हाँ जो बना रहे हैं कम से कम, वेरी गुड. यू आर, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर लर्निंग वेरी वेल दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. ऐसे समझोगे तो मैं बिल्कुल आपको एक ऑनलाइन बिल्कुल अच्छे से इतना क्लियर वीडियो बना के दूंगा कि देखते रहिए. एंड यू आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज टू माय डियर ऑफलाइन स्टूडेंट्स एंड टू यू आल्सो ऑनलाइन. ओके, वी आर गोइंग अहेड, ठीक है भाई. So, the magnitudes we have calculated and now it is the time to calculate the angle. ठीक, अब angle calculation के लिए हम ये use करेंगे, this formula we have to use. Yes, how R E F dot R E G must be equal to R E F magnitude magnitude and cos of theta. From there we can calculate theta. So this you will get the ये पहले एक एक बताओ, ये डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट अवर वीडियो विल बी कम्प्लीटेड, राइट, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना, नया बच्चा देखेगा तो दिक्कत होगी ना उसको. देखो ये ई एफ इज एक्स कंपोनेंट इज माइनस थ्री, माइनस थ्री इंटू वन एक्स कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन, तो ये कितना आ जाएगा जी, माइनस थ्री आ जाएगा एक्स कंपोनेंट, ये एक्स एक्स है ना, तो ये डॉट प्रोडक्ट जो आएगा ये आएगा माइनस थ्री इंटू वन विच इज माइनस थ्री, फिर आ जाएगा वाई कंपोनेंट माइनस वन माइनस सेवन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस सेवन, फिर आ जाएगा थर्ड कंपोनेंट माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस नाइन माइनस
नाइन, ये आ गया डॉट प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया देखो, माइनस थ्री माइनस नाइन हो गया ट्वेल्व, सेवन फाइव आ जाएगा माइनस, ठीक। सो इट इज कमिंग आउट टू बी दिस इज इक्वल टू दिस थिंग इन क्वांटिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव एंड दिस इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड है रूट ऑफ 19, फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकंड मैग्नीट्यूड इज रूट 59 एंड वी हैव कैलकुलेटेड आल्सो, देन वी आर गेटिंग कॉस ऑफ थीटा एंड फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट cos theta, cos theta is minus 5 divided by root 19 into root 59, कितना आ रहा था cos theta पहले बताओ, माइनस में माइनस cos theta बताओ पहले, तो theta हो गया cos theta माइनस 0.149। अब एक चीज, ये cos थीटा हो रहा है नेगेटिव, हाँ तो एंगल आएगा बड़ा, एंगल कितना है 90, ठीक। वो भी अपने को समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि cos को समझ गया ना, अगर कैलकुलेशन में गलती होगी तो फट से समझ में आएगा, ये 90 से ऊपर आना चाहिए, एकदम क्लियर है। जैसे आप आंसर बताते हो तो मैं बोलता हाँ 90 बताया, यस ओके, क्योंकि माइनस है ना। सो फ्रॉम देयर by using calculator we can calculate theta which is coming out to be equal to 98.5 degree, ye ho gaya this part, ठीक। now we are going ahead, ab thoda aage chalte hain c part pe aate hain, isko main thoda rough kar raha hu, we are creating the space for further understanding। Theta we have calculated and now we will go ahead with scalar projection। देखिए अब ये नहीं क्वांटिटी वही जो अभी समझी थी हमने, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ आर ई एफ ऑन आर ई जी, ये मान लो ई है, ये पॉइंट था एफ, ये वेक्टर है आर ई जी R E F और ये पॉइंट है मान लो G, ये इस वेक्टर इज R E G, वेक्टर फ्रॉम A टू G, वेक्टर फ्रॉम A टू F एंड दिस एंगल वी हैव कैलकुलेटेड थीटा, जो कि हम इसमें दिखा रहे हैं छोटा है 98 डिग्री, उसको हम थीटा ही लिखते हैं भैया, ये तो क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इधर दिखाना चाहिए था, है कि नहीं। This is the angle. If we want to see the projection, हमको clear तो हो गया, क्योंकि angle 98 तो projection negative आया, ये तो clear है, ये तो बताया था, मैं समझाया पूरा। 98 हुआ मतलब projection negative आएगा, projection positive नहीं आएगा, ठीक। But for just making the diagram to express the projection, we are making like this. Theta may be anything, कोई भी angle हो सकता है, and this portion is known as scalar projection SP, technical language mein bhi SP bolte hain, maths wale bhi SP bolte hain, SP ek iska na hissa bhi hai, हरियाणा में से रिलेटेड पता ही देता हूँ, छोटा सा किस्सा है, कदम बढ़ने में दिक्कत नहीं, टाइम कहाँ था। एस पी क्या हुआ, एक बार ये 90 ना जब मैं पढ़ता था और उस समय 1980s की बात है ना, 1988 उसमें इलेक्शन में क्या बैलेट पेपर चलता था, ऐसा ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी, और हर पंचायत में भी इलेक्शन होते और इलेक्शन में बड़ा जोर शोर रहता था, एकदम एक उमंग त्यौहार टाइप का रहता था, आजकल तो बहुत उमंग चली गई है ना, अब बहुत उमंग से सब त्यौहार टाइप का मनाते इलेक्शन, छोटे छोटे इलेक्शन में सरपंच का इलेक्शन हुआ वहाँ पर, हरियाणा गवर्नमेंट ने चेंज किया उस समय 1980s में कि भाई बहुत सारी सीटें ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली कि यहाँ पर लेडीज का रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग पैसा बहुत खर्च करते थे, कमाते थे और शराब और लोगों में पैसा बर्बाद होता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं लेडीज को सरपंच बनाओ और लेडीज लोगों को अधिकार दो। तो जिस जिस गांव में इलेक्शन हुए बहुत जगह पोस्ट थी,
लेडीज वेयर के लिए। तो वहाँ पर एक दिन एसपी साहब पहुँचे कि भाई इंस्पेक्शन के लिए गांव में, हरियाणा की बात है। तो लोगों से कहा कि भाई आप बुलाओ, यहाँ के सरपंच कौन है? बोले आप कौन? बोले आप हम एसपी हैं। बोले किस गांव के? लोगों ने कहा किस गांव के? यहाँ पे थोड़ी होता है तो जानते नहीं, हमारे तो हर गांव में एसपी है। क्या है? बोले सरपंच पति हर गांव में है। नई पोस्ट क्रिएट हो गई, बताओ क्या बोलोगे? ओके, तो ऐसा हुआ। हाँ, किस्सा है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं? इसलिए सुना रहा था, पुराना है पर नया है, आप लोग के लिए तो नहीं है, पहले का सुना रहा। तो ऐसा हुआ, और सही में ऐसी पोस्ट थी हर जगह एसपी, उनका रोल बहुत, और जेंट्स डोमिनेटेड कम्युनिटी है, अपने छत्तीसगढ़ में नहीं है, बराबरी वाला है बाकी जगह भी, वहाँ पर है पंजाब और हरियाणा। तो नाउ वी आर मूविंग अहेड, दिस इज एसपी से बात निकली थी, हम वहाँ पहुँच गए, है ना। क्लास को लाइट करना भी मेरा फर्ज है, ताकि आपका एक चौथा पीरियड चल रहा है, ज्यादा स्ट्रेस में कहाँ झेल पाओगे, सब्जेक्ट ऐसा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो दिस स्केलर प्रोजेक्शन इस प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अदर, तो जिसका प्रोजेक्शन रहेगा, अब तो इस चीज को ध्यान देना पड़े सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन सब, किस वेक्टर का प्रोजेक्शन है उसको देखना है। जैसे मैं बोलूँ पहले वेक्टर का प्रोजेक्शन तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, मैं बोलूँ इसका प्रोजेक्शन तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा। जैसे ये मान लो ये छोटा वेक्टर है, ऐसे बताता हूँ, यहाँ आ जाते हैं ये यहाँ, ठीक। अब ये मान लो ये वेक्टर छोटा है और ये बड़ा है, अब इसका प्रोजेक्शन इस पे, ये मान लो एक मीटर का वेक्टर है और ये दस मीटर का वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन एक मीटर वाले वेक्टर पे ज्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसकी लंबाई के हिसाब से प्रोजेक्शन, लंबाई किसकी चलेगी, द लेंथ किसकी चलेगी, मैग्नीट्यूड किसका चलेगा, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पे निकालना है। और प्रोजेक्शन होगा क्या, वट एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ कॉस ऑफ थीटा, हां सीधा कोसाइन। अब उसको, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल बताया था पहले, अब वेक्टर चाहे कहीं भी हो वो लगेगा वही फर्म में, जैसे कहीं भी घुमा दोगे इसको, आप हॉरिजॉन्टल कर लोगे इसको, दिक्कत क्या है? वेक्टर का लोकेशन, व्हाट एवर द लोकेशन ऑफ द वेक्टर विल बी, द प्रोजेक्शन विल बी हॉरिजॉन्टल। अब इस शब्द में भी गड़बड़ी है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन बोल नहीं सकते, निकाल रहे हो आप इस वेक्टर का पोजीशन, इसके मान लो वेक्टर ऐसे हैं, ऐसे इसका पोजीशन इधर निकलेगा हॉरिजॉन्टल ही, पर है नहीं हॉरिजॉन्टल, दूसरे वेक्टर तो निकलेगा जो होगा रियल में। तो इस तरीके से हर चीज को अपने को क्लियरली समझना है, देन यू कैन एक्सप्रेस द थिंग्स, यू कैन डिफीट द इंटरव्यू फोर्स, यू कैन डिफीट एनीबॉडी, यू कैन टॉक टू द मास बाय सीइंग इन देयर आईज। ऐसी क्वालिटी आप में भी होनी चाहिए। तो सीखते कैसे हम, टीचर से तो सीखोगे, जो कम से कम सिखा रहा है उससे तो सीख ही लो, बिल्कुल। तो दिस प्रोजेक्शन इज, अब एसपी होगा क्या, इसका पूछा इस पे, अब आ जाए, अब हम लिख रहे हैं स्केलर प्रोजेक्शन को एसपी, अब एसपी को भूलना नहीं है, है ना, एसपी का किस्सा भी सुना दिया। एसपी विल बी इक्वल टू आर, हमारे कैसे आर ई एफ का मैग्नीट्यूड मास ऑफ थीटा, यही होगा। अगर इसका पूछता सेंटेंस में घुमाव रहता, the projection of REG on REF, तो हम उल्टा करते हैं, ये चीज जानते हैं, किसी क्वेश्चन में उल्टा भी हो सकता है कि नहीं, इस चीज को समझना है अपने। तो प्रोजेक्शन आ जाएगा आपका बिल्कुल सिंपल है, REF का मैग्नीट्यूड हमने निकाला था √19, अंडर रूट 19, और cos एंगल पता ही है हमको, एंगल था 98,
0.5 डिग्री जो हमने बता चुके हैं। तो ये बताओ प्रोजेक्शन कितना, चलो ये आ गया स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ आर ई एफ ऑन आर ई जी, ये निकाल के बता दो कितना आता है कैलकुलेटर से। और ऑनलाइन माइनस में आएगा ना, माइनस 0.649, ठीक। सो द प्रोजेक्शन इज कमिंग आउट टू बी माइनस 0.649। देखो यहाँ तो 4 आ रहा है, अब बहस चल जाएगी, हमारा कैलकुलेटर ऐसा हो गया, वो हो गया, वो वट एवर यू आर गेटिंग इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। Do not bother about that. और किस किस का कुछ अलग भी है, 6-4 मतलब ये निकालना है, ये तो यहाँ लिख देता हूँ, बी पार्ट नहीं है। The perimeter of the angle is R EF magnitude plus R EG magnitude plus R GF magnitude. Clear है? तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल देगा ना? पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई है कि नहीं? हाँ निकालो, बना लो, कंप्लीट कर लो, है ना, बस फिर हो गया, एंड तो है ही क्लास का। इसको हम थोड़ा सेट कर देते हैं लोगों को, उसको कर कंप्लीट कर लो, 21 पॉइंट आ गया ना, चलो ठीक है, ठीक है आवाज़।